हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स के आत्महत्या मामले में पुलिस के द्वारा केवल मात्र एफआईआर दर्ज करने पर परिजनों का गुस्सा फूटा है। पुलिस की कार्रवाई से भड़के मृत मोनिका के परिजनों ने बोटा चौक पर दोपहर के समय शव को रखा, जिसके कारण करीब सवा घंटे तक यातायात बिल्कुल ही बंद रहा। इस दौरान मृतक मोनिका के परिजन सुसाइड नोट में वार्ड सिस्टर की गिरफ्तारी की मांग करने पर अड़े रहे। बाद में बड़ी मुश्किल से एसडीएम चिरंजी लाल, एएसपी विजय सकला ने, डीएसपी हितेश लखनपाल, एसएचओ संजीव गौतम ने परिजनों को आश्वासन देकर शव को 20 सड़क से उठवाया। एसडीएम हमीरपुर चिरंजी लाल ने बताया कि स्टाफ नर्स के सुसाइड के मामले पर लोगों ने यातायात जाम किया था और इस मामले में पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई करने के आश्वासन पर लोगों को दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है और तफ्तीश पूरी होने पर ही आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चे भी अब निजी स्कूलों के बच्चों की तरह स्मार्ट वर्दी पहनेंगे। अक्सर सरकारी स्कूलों के बच्चे अपनी वर्दी को लेकर निजी स्कूलों से तुलना करने पर कुंठा महसूस करते हैं। प्रदेश की जयराम सरकार ने इसी कुंठा और हीन भावना को खत्म करने के लिए उद्देश्य से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को स्मार्ट वर्दी से लैस करने का निर्णय लिया। सरकार न केवल ये स्मार्ट वर्दी बच्चों को मुफ्त उपलब्ध करवाएगी, बल्कि इस स्मार्ट वर्दी की सिलाई के लिए भी हर बच्चे को 200 रुपए दे रही है। स्मार्ट वर्दी के तहत लड़कों को हरे रंग की पैंट और पीले हरे रंग की चेकदार शर्ट मिल रही है, जबकि लड़कियों के लिए गुलाबी सफेद काले रंग की चेकदार कमीज और लाल रंग की सलवार के साथ सफेद रंग की चुन्नी दी जा रही है। प्रदेश के ऊना में स्मार्ट वर्दी का ये लॉट वितरित होने के लिए पहुंच चुका है। इस लॉट को कुछ ही दिनों में सभी बच्चों को बांट दिया जाएगा। ऊना जिले के करीब 62,000 बच्चे अब सरकार के इस निर्णय के बाद स्मार्ट वर्दी पहनकर निजी स्कूलों के बच्चों की तरह चमकेंगे। स्मार्ट वर्दी के आने की खबर से सरकारी स्कूलों के बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन बच्चों ने स्मार्ट वर्दी आने पर न सिर्फ खुशी व्यक्त की है, बल्कि अपनी सोच में बदलाव आने की बात कही। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारी से निजात मिलती है। हमीरपुर के लंबड़ू में शरद पूर्णिमा की रात को तैयार खीर में मिली निशुल्क आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। गौरतलब है कि पिछले 20 सालों से इस तरह शरद पूर्णिमा के बाद दमा, खांसी, एलर्जी के मरीजों को दवाई निशुल्क खिलाई जाती है और इस दवाई का सेवन करने के तुरंत बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं। माना जाता है कि दमा रोगियों के लिए तो ये खीर रामबाण का काम करती है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का अपना महत्व है और खीर को बनाकर पूरी रात भर चांद की रोशनी में रखा जाता है और जो औस इस खीर पर आकर पड़ती है वह काफी लाभकारी मानी जाती है। बाद में खीर में जड़ी बूटियों से बनाई गई औषधि दवाई मिलाई जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक शर्मा ने बताया कि गत 20 वर्षों की तरह इस बार भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर हमारे निवास स्थान लंबड़ू जिला हमीरपुर कांगड़ा बैंक के पास 14 अक्टूबर को दमा रोगियों को खीर में मिलाकर यह दवा दी जाएगी। जिनको बार बार जुकाम, खांसी हो जाती है वे भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा सुबह 7 से 11 बजे तक निःशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कृपया रोगी खाली पेट आए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मरीजों को इसका लाभ पहुँचा है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के द्वारा सीनियर स्टाफ नर्स की प्रताड़ना के चलते की गई आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने जांच की मांग की है। मामले को लेकर
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कौशल ने कहा कि किसी भी संस्थान में इस तरह का दबाव होगा और ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि सरकार का अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रेम कौशल ने कहा कि स्टाफ नर्स की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कर्मचारी पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेम कौशल ने मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब चलने से मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि मशीन गलत रिपोर्ट दे रही है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं दी जा रही है जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें पेश आ रही हैं। कौशल ने सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में इस तरह 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब होने पर ठीक नहीं करने पर चिंता की बात बनी है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर चेकिंग के लिए गए हुए विजय सकलानी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि ओपीडी में बात करने पर बाहरी क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा जा रहा है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं।